वरुण चलिए। कर रहे थे आप? गिर कैसे गई? कुछ चाहिए था, मुझे आवाज लगा देते। अपना नाइट सूट लेने जा रहा था। मैं सोचा हर बार तुम्हें खाम कर तकलीफ देते रहता हूं, इसलिए बस उठने की कोशिश की और गिर गया। महाराज जी का शुक्र है आपको चोट नहीं आई, वरना मैं हूं ना ये सब करने के लिए। तुम्हें सफलता की ऊंचाई छूते हुए देखना चाहता हूं केत, और इसलिए मैंने तुमसे छूट लिया, क्योंकि अगर मैं व्हीलचेयर पर नहीं बैठता तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका कभी नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि तुम्हें वो काबिलियत है। तुम ये साबित कर सकती हो कि एक औरत होने के बाद भी तुम घर और दुकान दोनों संभाल सकती हो, और इतना आएगा जब तुम्हारे इस काबिलियत का भरोसा मेरी तरह औरों को भी हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं ये नाटक करता रहूंगा। गेंदा, क्या बात है? कुछ नहीं, आपके पैर अब तक ठीक हो जाने चाहिए थे, लेकिन मेरी देखभाल में कोई कमी रह गई होगी। क्या आप अब तक चल नहीं पा रहे, व्हीलचेयर के सहारे? ये सब मेरी गलती है। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैंने ही डॉक्टर की बताई हुई एक्सरसाइज एक बार भी ठीक से नहीं की, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। एक बार तुम बस दुकान संभालो, पर देखना मैं ठीक हो जाऊंगा। वरुण, मेरे दुकान संभालने से आपके ठीक होने का क्या कनेक्शन? मेरा मतलब है कि फिर तो ठीक हो ही जाएगा। तुम बस अपना पूरा ध्यान दुकान पे दो। तुम इतनी मेहनत कर रही हो इतना, बस एक बार तुम्हारी वो 7 days रिटर्न पॉलिसी वाली स्कीम हिट हो जाए, देखना सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो टू। और अभी तो हमें महाराज जी का छत्र भी बनवाना है। आई नो, बट आई एम श्योर कि तुम सब कर लोगी। हाँ गीत, एक बार सब हो जाए, सबको गलत साबित करते हुए तुम ये प्रूफ कर दो कि तुम किसी से कम नहीं, फिर मैं भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम मेरा तुम गेंदा का पीछा क्यों कर रही हो? यही सोच रही हो ना तुम कि मुझे कैसे पता? मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा और गेंदा का 36 का आंकड़ा है। तुम नफरत करती हो उससे, am I right? तुम्हारा हस्बैंड नौकरी करता है ना, क्या सैलरी है उसकी? 1,00,000 सैलरी है उनकी। 80,000 सैलरी है उसकी, और टैक्स कट के सिर्फ 50,000-60,000 मिलती होंगी, राइट? ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि मुझे क्यों बुलाया है, क्यों मिलना चाहते थे? तुमसे मिलने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, काम है इसलिए बुलाया। तुम वरुण को प्रूव करना चाहती हो ना कि सिद्धांत सिन्हा और गेंदा अग्रवाल का अफेयर चल रहा है। इसमें प्रूफ क्या करना है, वो तो चल ही रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें क्या लगता है कि सिद्धांत सिन्हा उस बेवकूफ लड़की के साथ अफेयर करेगा? एनीवे, मैं चाहता हूं कि तुम
वरुण को ये प्रूफ करो कि मेरा और गेंदा का अफेयर चल रहा है। इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इसका गेंदा से कोई चक्कर वक्कर है ही नहीं, फिर ये वरुण के सामने ऐसा क्यों साबित करना चाहता है? खैर मुझे क्या, बहुत फायदा होगा तुम्हारे पति की प्रमोशन और तुम्हारे लिए एक बड़ा सा इनाम। ओके, और इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा नहीं, सुकून, सुकून मिलेगा मुझे। गेंदा अग्रवाल में बहुत घमंड है, उसे लगता है कि वो दुकान चला सकती है, हम मर्दों की तरह बिजनेस कर सकती है। उसके इसी घमंड को मैं तोड़ना चाहता हूं। और उसके पति के साथ उसके रिश्ते को भी, क्योंकि वही रिश्ता उसके घमंड को सातवें आसमान पर पहुंचा देता है और उसकी ताकत को भी। मैं गेंदा अग्रवाल को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता हूं। सबके सामने हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम अपना मकसद पूरा करेंगे एक साथ, मेरा गेंदा अग्रवाल को नीचे गिराने का और तुम्हारा अपने और अपने पति को ऊंचा उठाने का। So, is it a deal? Yes, deal. अब हम दोनों मिलकर गेंदा को बर्बाद कर देंगे। किसी ने एकदम ठीक कहा है कि एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरी सोच औरतों के लिए एकदम सही। लेकिन निशा, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, लेकिन तुम भूल रही हो कि आखिर हो तो तुम एक औरत ही, और अब सिद्धांत सिन्हा के खेल का मोहरा भी। पर वरुण, जो हमारा 7 दिन वाला आइडिया है, मैं सोच रही थी कि पॉलिसी ऐसे ही घर बैठे बैठे हिट नहीं होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी, तब जाके सबको पता चलेगा ना। और वो पहुंचाएंगे कैसे? सोचना पड़ेगा कुछ आइडिया। क्या वरुण, मुझे अभी फिलहाल कहीं जाना होगा, फौरन। मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, लेकिन आइडिया तो बताती हूँ। जा, मैं आगे सब कुछ बताती हूँ, अभी मुझे जाना है। बाय बाय बाय। जाकर देखती हूँ कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया इसे, क्योंकि मेरा जानना भी तो इंपॉर्टेंट है। अपने परिवार की भलाई में मैंने जो राह चुनी है, उसमें मेरा साथ दीजिए महाराज जी। अरे ये था बेटा, महाराज जी का आशीर्वाद सदा बना रहे बेटा। थैंक यू पंडित जी। पंडित जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। बेटा, आपने मंदिर की रक्षा की है और मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अच्छा,
जो महाराज जी के मंदिर में लोग चंदा देते हैं ना, उनका नाम और नंबर वगैरह आप एक रजिस्टर में लिखते थे ना, वो रजिस्टर मुझे चाहिए। बिल्कुल, अभी देता हूँ। लो बेटा। थैंक यू पंडित जी, ये मैं आपको कल लौटा दूंगी। महाराज जी की जय हो। इस रजिस्टर का क्या करने वाली है, पता लगाना होगा। सत्यानाश। क्या दिमाग विमाग ठीक है? ऐसे कोई कीचड़ में गिरता तो हंसते हैं? तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? बदतमीज कहीं के। केंदा, सुबह से शाम हो गई, हम दुकान भी जाकर आ गए, अब तो बता दो अपना आइडिया। बताती हूँ वरुण, पहले आपको रूम तक तो छोड़ दूँ। ऐसे स्ट्रोक तुम अब जाके खाना नहीं बनाओगी? बनाऊंगी नहीं तो खाएंगे कैसे केंदा? लेकिन अरे मैं बना लूंगी, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? माइक अच्छे से चल जाए तो मेरा काम बन जाए। जो माइक मैंने इनके रूम में छुपाया है, अब ये जो भी बातें करेंगे मुझे सब सुनाई देगा। ये सिद्धांत का माइक वाला आइडिया तो कमाल का है। सोच रही मूंग की दाल बना देती और साथ में ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? अभी तो आ रही थी। थक गई होगी गेंदा, तुम थोड़ा आराम कर लो। यहाँ तो आवाज आ रही है, फिर गायब हो गई। ये हो क्या रहा है माइक के साथ? ये लगता है सिद्धांत से ना बिना मेरी तरह रस्ते का माल सस्ते में खरीद पाए और बनता है करोड़पति। अब लगता है इनके कमरे के आसपास ही रहकर इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। चाची, आपने जो जो मंगवाया था वो सब लाया हूँ।
थैंक यू शिवम। यू आर वेलकम। अच्छा अब जाके सो जाओ, सुबह क्लासेस है ना तुम्हारे। गुड नाइट चाची। गुड नाइट चाचू। गुड नाइट। गेंदा रानी अब किसी ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है क्या? खैर इसका कोई भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकती है। गेंदा ये रजिस्टर। ये रजिस्टर मैं पंडित जी से लेकर आई हूँ। महाराज जी के मंदिर में जो लोग डोनेशंस देते हैं ना, उनके नाम और फोन नंबर है इसमें। और तुम क्या करोगी नंबर्स का? हमारी जो 7 दिन वाली पॉलिसी है ना, उसके बारे में हम सबको बताएंगे मैसेजेस पे। ये इतने सारे लोग? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, तुमने इतने सारे लोगों को मैसेज कर भी दिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक मैसेज पढ़ के वो हमारे दुकान पे आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम उन्हें बुलाएंगे ही उसी तरीके से कि वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। Really? कैसे? हम उन्हें मैसेज पे एक इनविटेशन कार्ड भेजेंगे, फोन पे। जैसे शॉप्स की ओपनिंग पे सब बुलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे, जहां हम सबको समोसे सर्व करेंगे और सबको मिलेगा एक लकी ड्रॉ का कूपन। और लकी विनर को मिलेगा एक गोल्ड कॉइन फ्रॉम अग्रवाल एंड सन्स। गोल्ड कॉइन? कौन है वहां? कौन है? आवाज तो यहीं से आई थी। उसे भी खर्च करने का सोच रही हूँ। हाँ वरुण, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कमाई आगे बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। जो मंदिर से गोल्ड मिला था वो भी अब खत्म होने आया है। आपको मुझ पे भरोसा है ना? है ना? तो फिर बस अब चलिए मेरे साथ कार्ड बनाइए, मुझे हेल्प कीजिए। आइए। अग्रवाल एंड सन्स की ग्रैंड रीओपनिंग पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस ओपनिंग की ऑफर में आपको मिलेगा एक समोसा और एक गोल्ड कॉइन जीतने का सुनहरा मौका। वाह, सच कह रही थी। ये कार्ड और ये मैसेज मुझे इतना पसंद आ रहा है तो लोगों को तो डेफिनेटली पसंद आएगा, और ये देख के वो जरूर हमारे दुकान पे आएंगे। आने तो चाहिए, तभी हमारा प्लान कामयाब होगा। अब और देरी नहीं करते हैं, फटाफट से सबको ये मैसेज कर देते हैं। ये मुझे भी सेंड कर देना।
डन डन फाइनली सब हो गया। जब हम दोनों साथ तो मुश्किल की क्या बात। अब ये सब उस सिद्धांत को बताते। वाओ लकी ड्रॉ और समोसे। लेकिन मिस गेंदा अग्रवाल, समोसे अकेले अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर उसके साथ सिद्धांत सिन्हा की आइडिया की तीखी चटनी मिल जाए तो मजा आ जाए। मिस गेंदा अग्रवाल, अब होगी तुम्हारी 7-day return policy सुपर हिट।